हेलो गाइस, मेरा नाम है गॉडरिक और आप देख रहे हैं गॉडरिक शॉर्ट। सो गाइस, ये गेम है सोलो रैंक मैच और इसमें मैं उतरा था पीक पे। सो गाइस, पीक पे तो क्या कहते हैं, ज़्यादा बंदे आए नहीं थे। और गाइस, ये जो अभी आप देख रहे हो उतरता हुआ गेम प्ले, मैं सच्चाई बता देता हूँ, ये मैंने अभी अभी शूट करा है। और जो आप अब एक मिनट ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो है, ये मैंने क्या कहते हैं पहले शूट कर लिया था, बट इससे पहले जो मैंने लैंडिंग का था वो नहीं शूट करा था। सो इसलिए मैंने शूट कर लिया। और गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मैंने अभी एक बंदे को मार के अपनी जल्दी से मेडल लगा ली और फिर उसके बाद मेरा बाउंटी भी खुल चुका है। तो गाइस, मैं अपने जल्दी से अपना बाउंटी को लूटने गया। तो गाइस, मुझे अभी तक यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं दिखा। सो मैंने सोचा कि चलो एक बार बाहर जाके देख लेते हैं कि बंदा दिखता है कि नहीं। तो मैंने अपना जल्दी से आर्मर को सही किया और फिर उसके बाद मैं इस यहाँ से बाहर गया। बाहर जाते ही मैं ये सोच रहा था, चलो ये जी इतनी लंबी जो वीडियो बन रही है इसका स्पीड रन बनाते हैं, बट मैंने कहा छोड़ो, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। सो गाइस, मैंने प्रेफल को हटा के स्कार ले ली थी और फिर स्कार लेने के बाद ही, क्योंकि स्कार मेरे साथ चलती, प्रेफर नहीं चलती, मैं पहले बता देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी थोड़ी थोड़ी सी लूट थी वो करके यहाँ से जा रहा था, पूरे हवा में मुक्के मार मार के और क्या कहते हैं इनार लगा के लूट कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ से पूरी अपनी लूट कर ही रहा था और जब मैं इस वाले ये डबल डोर या जो भी इसे घर कह दो यहाँ पर गया, तो मैंने देखा फायरिंग हो रही है और मुझे गोली लगी। तो एक बंदा मुझे मारा, तो मैंने सोचा चलो इसे जल्दी से खत्म करते, हेड मारने की कोशिश करते, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हेड नहीं लगा। पर कोई नहीं, किल ज़रूर मिल गया। रैंक मैच में किल ही ज़रूर होता है, ना कि हेड। तो गाइस, मैंने अपनी स्कार बदल के M14 ले ली, जिसके अंदर उसका ये सिस्टमेटिक ये जो भी कहते हैं ये जो पावर सी जो है ये लगी रखी थी। तो मैं जल्दी से उस डिब्बे के पास गया। डिब्बे के पास जाते ही मैंने अपनी लूट की, लूट करने के बाद ही, लूट जब मैं कर ही रहा था, मैं सोच रहा था यार बस दो ही बंदे हैं क्या पीक में, यार और तो मिले ही नहीं, क्योंकि गाइस आगे जाकर पीक में एक भी बंदा नहीं मिला। तो गाइस, मैंने यहाँ से बैट ले लिया और फिर आप देख सकते हो मुझे बंदे मिले नहीं, इसलिए मैंने कट कर दी। तो फिर मैं गाइस इस वाले हाउस में जाके, चलो मैंने सोचा कि चलो गाइस लूट कर लेता हूँ, आगे जाके जो भी बंदे मिलेंगे तो उनको मार दूंगा इन लूट के वजह से, क्योंकि लूट ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक मिनट सर गाइस, हाँ तो गाइस वो क्या कहते हैं, बस वो थोड़ा सा कुछ एक काम आ चुका था इसलिए मैं वो चले गया था। तो हाँ, मैं कहाँ पे था कि मैं लूट कर रहा था, तो मैंने जल्दी से इस घर में जो भी लूट है उसे लूटा। लूटने के बाद मैं इस यहाँ से अपना क्या कहते हैं आर्मर को सही करने के बाद बाहर गया इस घर से। और मैंने सोचा कि चलो एक वो क्या कहते हैं मशरूम ले लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जल्दी से इस वीडियो को करता हूँ, क्योंकि मुझे सोना भी था कि रात की वीडियो है। सो गाइस, मैं जल्दी से गया वो भीमा शक्ति पे। मुझे एक पहले मैं सोच रहा गाड़ी से चलो, बट मुझे आगे एक बंदा दिख गया, तो मैंने सोचा कि चलो इसे मार देते हैं। तो फिर मैं जल्दी से उस बंदे के पास जा रहा था, तो फिर गाइस मुझे क्या कहते हैं गन चेंज करने की आवाज़ है। तो मैंने सोचा कि ये इस बैरिंग के पीछे होगा, बट वो नहीं था। तो फिर गाइस, मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा कि बंदा तो अंदर है। तो मैंने कहा चलो गाइस ढप्पा करता है, तो मैंने अपने M14 निकाला और ढप्पा कर दिया। और गाइस, ये बंदा इतना लो था और इसकी इतनी किस्मत ख़राब थी कि मेरा हाथ मर गया, ये एक प्रो के हाथ मर गया, कितनी अच्छी बात है। तो गाइस, मैंने अपने जल्दी से मेडिकेट लगाया, अगर मैं भारी लूट करने लग जाता तो कोई ना कोई तो गन की फायरिंग सुन के आ ही जाता मेरे पास। और ये इतना गरीब था कि इसके पास बस दो ही ग्लू वॉल थे और 6 ग्रेनेड थे, ग्रेनेड का कितना यूज़ करता है। तो मैंने इसकी यहाँ से लूट करी, मैं लूट कर ही रहा था, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसमें लूट कर रहा था, तो फिर एकदम से फिर ये आ गाइस, मैं इसके अंदर गया। मैंने सोचा कि छोड़ो अब मैं कहीं और जाता, क्योंकि जोन बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि अरे यार गोलियां तो होंगी उसके अंदर M40 की, बट सडनली एकदम से बंदा आ गया और मैंने उसे मारने की कोशिश की, तो
मैंने फिर जल्दी से ग्लू वाला लेकिन वरना वो मैंने मार सकता था। तो फिर मैंने अपने ग्रेनेडों को यूज़ करा, ग्रेनेड मार दिए और फिर उसके बाद यहाँ पे साइड में चल गया। मैं पहली बता दूँ मैं ग्रेनेड में बस 50-50 अच्छा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो उस बंदे को ढूंढता, पर गाइस पता नहीं वो बंदा कहाँ गायब हो गया, एलियंस ले गए या कहाँ भाग गया था, वो यहाँ पर मिला ही नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं गाइस इस टावर के ऊपर तक चले गया था, फिर यहाँ से कूदा। मैंने सोचा कि छोड़ो लगता है वो चले गए होगा। सो मैं गाइस क्या कहते हैं, मैं ऐसी यहाँ इन पता नहीं कवर ले लेके चल रहा था। मुझे पता नहीं शक सा हो रहा था कि वो बंदा कहीं ना कहीं मुझे मारने की कोशिश करेगा। सो गाइस वो मुझे बंदा दिख गया, ये एल शेप के अंदर वो बैठा हुआ था और उसने मेडी लगा ली होगी शायद। सो गाइस मैंने स्कोप करा तो फिर मुझे पता चला कि मेरे पास 1x स्कोप ही है। तो फिर गाइस इसने मुझे बहुत डैमेज दिया, मैंने बस उसको 20-40 का दे दिया। सो गाइस मैंने जल्दी से इनहेलर लगाया, इनहेलर लगाने के बाद ही पता नहीं पीछे से भी बंदा मारने लगे। तो मैंने जल्दी से वॉल लगाई, वॉल लगाते ही मैं जल्दी से क्या कहते हैं मैं इस घर के अंदर गया। फिर मैंने 2 मेडी लगा ली, मैंने बहुत जल्दी जल्दी मेडी लगाई क्योंकि भाई जोन की वजह से मेरी हेल्थ भी जा रही थी। सो गाइस मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं गाड़ी लेके चलूँ। सो गाइस मैं गाड़ी लेके जल्दी से मैं बन गया पूरा का पूरा सल्लू भाई की तरह, पूरी गाड़ियाँ तेज पूरी फास्ट चला के मैं जल्दी से आया। फिर मैंने देखा कि पेड़ के पीछे एक बंदा था, मैंने ठोक के अपना किल पूरा कर लिया। और फिर गाइस जब मैं इसकी लूट में गया फिर मुझे रियलाइज हुआ मेरे पास तो बस लेवल 1 की वेस्ट है। सो गाइस मैंने सोचा कि छोड़ो कोई नहीं, मुझे लगा कि ये बंदा पेड़ के पीछे इसलिए खड़ा होगा कि ऊपर से फायरिंग हो जाएगी। और मेरी बात सच थी, मेरी सोच सच थी, मतलब कि ऊपर से जो बंदा मार रहा था इसलिए छुपा हुआ था, बट मैंने इसे मार दिया। तो मैंने ऊपर वाला जो बंदा है उसे भी मार दिया। तो मैंने कहा गाइस मैंने सोचा कि मैं ऊपर ना जाके ना अभी ना यहीं पर नीचे ही रहता हूँ, बंदे का वेट करता हूँ, वो लूट लेने तो आएगा ही। तो गाइस मैं वो बस क्या कहते हैं मैं सोच रहा था कि पूरा वो रोटेशन लेके जाऊँ वहाँ पर, बट यहाँ पर वो जोन था तो मैंने सोचा ऐसे ही चल लेता। फिर एकदम से मेरे सामने आ गया बंदा, मैंने उसे पता नहीं कौन सी वेस्ट लगती शायद लेवल 4 की वेस्ट होगी, मैंने इसे बहुत दिया वरना इतने में तो बंदा मर भी जाता। तो मैं जल्दी से ऊपर गया क्योंकि बहुत लो होता है ये बंदा, एमपी 40 से मार दिया। फिर एक पता नहीं एक एसकेएस वाला बंदा मुझे मारने लग गया, मेरे पास ना ही ग्लू वॉल थी, मैं सोच रहा था बस वैसे चल लूँगा बट अनफॉर्चुनेटली मैं मर गया। बहुत दुख हुआ कि मैं मर गया गाइस। सो गाइस मैंने सोचा कि छोड़ो कोई नहीं, इस बंदे का ये गेम प्ले देखते हैं क्योंकि वो 1v1 था। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं किसका बुया मिलेगा। तो गाइस मैं जल्दी से गया और क्या कहते हैं फिर ये पता नहीं मैं सोच रहा था कि पता नहीं जल्दी से इस दिन वो क्या कहते हैं वो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि पता नहीं मुझे लगता है शायद बहुत देर लगेगी, बट इसे बहुत देर नहीं लगी। सो गाइस इसे जल्दी से शुक्र है भगवान का, जल्दी से बंदा मिल गया जिससे कि ये गेम जल्दी ख़त्म हो। और ये मारने में लग गया और मेरा पिंग देखिए, मेरा पिंग पता नहीं बढ़ गया, तो वो यानी कि वो बंदे ये दोनों के दोनों वो रुक गए, पर वो जो दूसरे वाला बंदा था उसने इसे मार दिया। तो गाइस मैंने इस बंदे को जल्दी से लाइक दे के और बैक करा, बैक करने के बाद ही मैं था गोल 2 पे और मेरी प्लस 77। और गाइस ये वाला जो गेम है ये मेरे लिए बहुत वर्थ इट रहा। थैंक यू गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।